तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं, पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे हमारी एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज ई में फॉर्म अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग एम इन डिस ए अन, ये जो प्रीफिक्सेस लगाकर हमको उसका अपोजिट बनाना है। ये भी हम आपको पीडीएफ थ्रू भिजवा देंगे। तो अब हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। अब डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन का मतलब, हम पीछे हमने आपको पहले बताया था कि डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो तीन तरह से, जब एक ही वर्ड्स को हम पहले वाले को दूसरे से जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, और दूसरे वाले को पहले वाले को दोनों को मिलाकर जब किसी तीसरे से या ज़्यादा लोगों से कंपेयर करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा सुपरलेटिव। तो फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ड हमारा दिया होता है एडजेक्टिव में पहला, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। फिर उसको हम जब दूसरे से कंपेयर, यानी कि नहीं दो लोगों में तुलना की जाए तो कंपेरेटिव फॉर्म, एंड जब दो से भी ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ सुपरलेटिव। द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड। पॉजिटिव डिग्री कब बनती है, जब किसी चीज़ से उसकी कोई तुलना या कोई कंपैरिजन ना होता। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन टू पर्सन इज़ और थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब उसके बाद सेकेंड फॉर्म आता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री कब बनती है, जब दो चीज़ों को एक दूसरे से तालमेल किया जाए तब। वी यूज़ देन व्हेन द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। हम कंपैरेटिव डिग्री है हमारा वर्ब, ये कैसे जानेंगे, जब वहाँ पे देन होगा तब। जैसे सुरेश इज यंगर देन राम, तो यहाँ पे सुरेश और राम दोनों के बीच में तालमेल, दोनों के बीच का कंपैरिजन देन से हो रहा है। वी यूज़ देन विद द कंपैरेटिव डिग्री विद एन ऑफ एन एडजेक्टिव। हम देन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे एक को दूसरे से आसानी से कंपेयर कर पाएँ। एग्जाम्पल, हिना इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब हिना जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, जबकि दूसरी कोई भी गर्ल उसके बराबर में नहीं है। तो यहाँ भी देन आ गया तो हमको पता चल रहा है कि कोई और लड़की उसके बराबर में नहीं है। द वर्ड अदर इज़ यूज्ड हियर टू शो दैट हिना इन कंपैरिजन टू अदर गर्ल्स इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब ये वर्ड से अदर से हमको यही पता चलता है कि हिना जो है वो बाकी की लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान है या ज़्यादा तेज है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट वी कैन नॉट यूज़ देन व्हेन वी राइट। लेकिन हम यहाँ पे देन नहीं लगा सकते हैं, क्यों लिखते टाइम हम देन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी क्लास में सारी लड़कियों की बातें हैं, इसलिए सिर्फ दो लोगों की बात होगी तब हम देन लगाएंगे। हीना इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ़ द टू गर्ल्स। अब यहाँ पे हम इंटेलिजेंट का सेकेंड फॉर्म जो होता है, इंटेलिजेंट होगा, फिर मोर इंटेलिजेंट होगा, और लास्ट में मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्संस और थिंग्स एट द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं जब दो या दो से भी अधिक चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की जाए तब। एग्जाम्पल, ही इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली। अब फैमिली में कई सारे लोग होते हैं तो सबसे छोटा, इसलिए यंगेस्ट लगा दिया है। सुपरलेटिव डिग्री जानने का एक और तरीका है कि हम यहाँ पे ईएसटी, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में हम ईएसटी वर्ड लगाते हैं, एंड कंपेरेटिव में हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के साथ में ER लगाते हैं। कई जगह पे हम IER भी लगाते हैं। जो वर्ड्स Y से एंड होता है उनको हम IER से ख़त्म करेंगे, एंड जो वर्ड उसका ही सुपरलेटिव बनेगा तो उधर IEST ऐड करेंगे हम। द आर्टिकल द इज़ यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जब बनेगा तो वहाँ पे द लगेगा जरूर। जैसे ही इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो ये आगे द लगाना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल, द शॉर्टेस्ट, द हाइएस्ट, द मोस्ट करेजियस। अब इन सब के आगे द लगाया। द इसलिए लगाया क्योंकि एक दो लोगों की बात नहीं है, कई सारे लोगों के बीच की बात है। वी डू नॉट यूज़ डबल सुपरलेटिव। एक साथ हम दो सुपरलेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट टॉलेस्ट, मोस्ट ब्राइटेस्ट आर इनकरेक्ट। अब मोस्ट टॉलेस्ट नहीं लिख सकते हम, मोस्ट ब्राइटेस्ट हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या टॉल का टॉलर या टॉलेस्ट लिखेंगे, ब्राइटर का ब्राइट, ब्राइटर या ब्राइटेस्ट लिखेंगे। यहाँ पे मोस्ट और ये मोस्ट नहीं आएगा।
A plain superlative can be made emphatic by using intensifiers such as very much and by far. अब अगर हमको उसको और निखारना है, कई जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ग्रामर में जिनको हम चेंज नहीं, फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम इंटेंसिफायर्स वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट के साथ वेरी इंटेलिजेंट, मच और बाय फार, इस तरह कुछ नए नए शब्द उसके साथ जोड़े जाते हैं। He is the very best of all the dancers in school. यानी कि जितने बच्चे dancers हैं school में उन सब से ये best है. Adverbs such as easily, decidedly, undoubtedly and sometimes used before the superlatives. कई जगह पे superlatives से पहले easily, decidedly, undoubtedly ऐसे words का use किया जाता है. Example, this is undoubtedly the best hotel in the city. पूरे सिटी में इससे बढ़िया कोई होटल नहीं है, यानी हिंदी में हम कहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बढ़िया कोई होटल हो, तो ये हो गया इंग्लिश में अनडाउटेडली द बेस्ट होटल। देन रिमेंबर, अब क्या याद रखना है आपको, ओनली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। खाली एडजेक्टिव्स, हमने जो फर्स्ट क्वालिटी पढ़ी थी एडजेक्टिव की वो थी क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सारे एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन नहीं होता है, खाली क्वालिटीज़ में ही होता है।